this is the second shortcut, folding method. As the name suggests, folding. Folding मतलब मोड़ देना, किसी चीज को मोड़ देना. तो अब folding method में हम थोड़ा सा ये आपको करेंगे कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो भी सेम पोटेंशियल के पॉइंट थे उनको हम शॉर्ट सर्किट कर रहे थे. सेम पोटेंशियल के पॉइंट को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे थे. तो सेम पोटेंशियल के पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि जो भी सेम पोटेंशियल के पॉइंट थे उनको सिंगल पॉइंट से इलिमिनेट कर दे रहे थे. अब इसमें हम क्या करेंगे, फोल्डिंग मेथड. अगर देखिए जैसे इस सर्किट को गौर से देखिए, हम ये सर्किट को, तो यहाँ क्या लग रहा है कि ए बी के अबाउट, अगर हम ये लाइन ए बी खींचे इसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिकल है. ए बी के क्रॉस हमको रेजिस्टेंस चाहिए और इस लाइन के क्रॉस यहाँ से हम ये करें तो ए बी के क्रॉस हमारी सर्किट सिमेट्रिकल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे मेथड ऑफ सिमेट्री को ये करें तो ए पर करंट जाएगी तो इधर जाएगी, इधर जाएगी सेम करंट, यहाँ से फिर दो पार्ट में जाएगी, करंट सिमेट्रिकली डिवाइड होगी. और ऐसे केस में जो पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, जो पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको शॉर्ट सर्किट करते हैं. और यही चीज हम यूज करेंगे. कहने के लिए एक डिफरेंट मेथड है कि अगर सर्किट इस ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो हम क्या करेंगे कि इस ए बी लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर दीजिए. फोल्ड करने से क्या फायदा होगा, अब देखिए सबसे पहले घाटा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सी और डी सेम पोटेंशियल पर हैं. तो फोल्डिंग के बाद क्या करेगा, ये डी ओवरलैप कर लेगा सी को तो सी पॉइंट डी पर पड़ेगा. और शॉर्ट सर्किट में भी आप यही करते थे, मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किट में भी आप यही करते थे फोल्डिंग में, तो डी ओवरलैप कर लेगा सी को और एफ ओवरलैप कर लेगा ई को. तो इस सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट है, ये सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पर पड़ रहे हैं. कि अगर कोई भी सर्किट जिस लाइन के अबाउट और जिस पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अगर वहां पर सिमेट्री बन रही है उस लाइन के अबाउट, तो उसको फोल्डने से कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं. एंड इट इज वेरी सिमिलर टू मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किट, जिसमें आप दोनों पॉइंट को एक साथ शॉर्ट सर्किट करते हैं उसी तरह का है. तो एक तो ये एडवांटेज हुआ कि इसमें हमने देखा कि फोल्डिंग में क्या देखा हमने कि जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सेम पोटेंशियल के पॉइंट सर्किट में एक दूसरे पर शॉर्ट सर्किट हम करते ही आए हैं. सेकेंड एडवांटेज क्या है कि अब ये देखिए जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी. जब इसको फोल्ड करेंगे, देखिए फोल्ड करेंगे ऐसे ये पर, तो सी डी पर चला गया, ये देखिए डी सी पर चला गया और ई ये एफ ई पर चला गया, ऐसे हो गए. तो ये सारे पॉइंट, ये रेसिस्टेंस इस पर ओवरलैप करेगा. तो अभी देखिए ये रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा, ये रेजिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आर बाई टू. फिर देखिए ये रेसिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आर बाई टू. ये रेसिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा ये इसको तो ये आर बाई टू. और ये रेसिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा तो ये हो गया आर बाई टू, राइट. ये रेसिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा तो ये आर बाई टू. यानी देखिए हमको फायदा क्या हुआ फोल्डिंग मेथड में कि ये पूरा नेटवर्क करीब करीब हाफ रेसिस्टेंस में, आधा रेसिस्टेंस गायब हो गए, लेकिन वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस सारे जो फोल्डिंग में जो पैरेलल में पड़े रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ उनका वैल्यू हो गया आर बाई टू. तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रहे हैं उनको आर बाई टू से रिप्लेस कर दिए. लेकिन ध्यान रहे अब जैसे ए जी रेजिस्टेंस और एच बी रेजिस्टेंस, ए जी और एच बी, देखिए ए जी और एच बी इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए इनका वैल्यू आर ही रहेगा, राइट. इस चीज के लिए आप कॉशियस होंगे कि ये नहीं कि आंख बंद करके सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू आर बाई टू लिखिए. क्या करेंगे आप भाई, जो रेजिस्टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस नहीं है उसका आप सीधे लिख लीजिए आर, राइट. तो ये हो गया आपका, ये देखिए हाफ रेजिस्टेंस हो गए. अब देखिए अभी सी डी का, अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखिए क्या मिल रहा है यहाँ से. अब ये देखेंगे ध्यान से तो हमको क्या चाहिए, ए बी के क्रॉस चाहिए. तो ए पॉइंट एक ए हुआ और दूसरा ए बी हुआ, तो इसको हम चाहें तो अब जैसे देखिए ए फॉर ई पॉइंट को नीचे खींचेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा. देखिए यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं इस चीज को, आप ध्यान देखिए इस पॉइंट को. अब ये पॉइंट है हमारा सी डी, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ए बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. ये पॉइंट सी डी है और ये पॉइंट एफ ई है, एफ ई ठीक है, जो डिजायर्ड पॉइंट है उनको रखेंगे, अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट को एक साथ ले लेंगे. जैसे जी पॉइंट रूट में है तो कोई मतलब नहीं है इसका,
तो अब ये देखिए रेजिस्टेंस को बैठा दिए ए और सीडी के बीच में, आर बाई टू, दिस इज आर बाई टू, और सीडी और बी के बीच में ये आर बाई टू, नाउ दिस इज ऑल्सो आर बाई टू, राइट। अब ये देखिए ए और एफ के बीच में आर एंड आर बाई टू, आर प्लस आर बाई टू, तो ये क्या हो गया, दिस इज थ्री आर बाई टू, और फिर एफ और बी के बीच में आर बाई टू प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई टू प्लस आर दैट इज थ्री आर बाई टू, और सी डी और एफ के बीच में हो गया आर बाई टू, राइट। ये हो गया हमारा, तो अब देखिए यहां पर क्या है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस बेकार हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस बेकार हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आर बाई टू प्लस आर बाई टू, ये हो जाएगा हमारा, सीधे यहां से लिख सकते हैं कि जब ये रेसिस्टेंस बेकार हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट, ये आर बाई टू इन सीरीज विथ आर बाई टू, तो आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर, और आर पैरेलल कितना हो जाएगा, थ्री आर बाई टू प्लस थ्री आर बाई टू, तो कितना हो जाएगा, थ्री आर, तो आर ए बी क्या हो गया, आर ए बी इज इक्वल टू आर पैरेलल थ्री आर, और आर पैरेलल थ्री आर कितना होगा, प्रोडक्ट बाई सम आर इंटू थ्री आर डिवाइडेड बाई आर प्लस थ्री आर, ये कितना हो जाएगा, फोर आर, राइट। तो ये आर से आर कट गया, क्या हो गया आंसर, थ्री आर बाई फोर, तो आंसर इज थ्री आर बाई फोर।